आज बड़वानी भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया और आगामी कोरोना काल कार्यकाल में सेवा के रूप में मनाएंगे। और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय में सांसद श्री गजन सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का आज शाम को हम करेंगे पुतला दहन। उन्होंने आमजनों को सांसद और राज्यसभा सांसद निधि पर गलत आरोप लगाते हुए गुमराह किया, जिसके कारण हम आज करेंगे बाला बच्चन का पुतला दहन। में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वह स्नातक है तो मैं PhD हूँ, हम गलत काम कभी नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे द्वारा दी गई निधियों पर गलत बयान दिया है, वो आमजनों को गुमराह किया, इसके लिए वो माफ़ी मांगे। उन्होंने आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम किया है। वहीं सांसद गजन पटेल ने कहा है कि PM केयर फंड से ही निःशुल्क वैक्सीनेशन, ICU बेड, हेतु भवन निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट देश भर में निर्माण हो रहा है। वहीं बाला बच्चन के आरोप निराधार है, जिसका सह प्रमाण जिला योजना अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर बता दिया है कि राशि मिल गई है, कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई है। देखिए, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने क्या कहा। जो बात कही थी सांसद को लेकर, उसको लेकर क्या विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हमारे सांसद द्वय ने कोरोना की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अपनी अपनी सांसद निधि से जिला अस्पताल को और बड़वानी जिले के चारों विधानसभा के जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर राशि देकर ICU बेड बढ़ाने का काम किया है, एम्बुलेंस देने का काम किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हमारे सांसद द्वय के ऊपर आरोप लगाए, इनके पास सांसद निधि नहीं है, उन्होंने कैसा पैसा दे दिया, उन्होंने पूरे ज़िले की जनता के सामने भ्रम पैदा किया है। हमारे सांसदों की निष्ठा पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कल जिला योजना समिति के अधिकारी ने अपना प्रेस नोट जारी करके बता दिया कि सांसद निधि से निधि भी आ गई और संबंधित विभाग को भी चले गई है। पर इस कृत्य के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से हम 5 बजे बाला बच्चन जी का पुतला दहन करेंगे। उन्होंने हमारे सांसदों का अपमान किया है, हम उनका पुतला जला के इस अपमान का बदला लेंगे। देखिए, बाला बच्चन जी लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता भी रहे। उस जैसे माननीय बाला बच्चन जी जैसे सुलझे हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता को झूठ बोलेंगे, झूठा प्रेस नोट अगर जारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? माननीय बाला बच्चन जी ने जो प्रेस नोट जारी किया वो ये मेरे पास है और मैं बता देता हूँ कि जो प्रेस नोट सरकारी जारी हुआ उसमें हमारे पास निधि है। हमको फर्जी निधि घोषणा करने की वो बात करते हैं माननीय बाला बच्चन जी। बाला बच्चन जी, ये जो जवाब है वो आपको इस कागज के माध्यम से दे रहा हूँ। मैं आपका बहुत सम्मान करता था। इन हाउस मीटिंग में भी आपको मैंने जानकारी दी थी कि पुराने सांसदों की जो राशि थी वो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूट करी है, वो हमारे खाते में आई है और बड़वानी जिले में अस्पताल में जनता को सुविधा देने के लिए मैंने वो राशि स्वीकृत करी है। और उस पर भी बाला बच्चन ने ओछी मानसिकता दिखाते हुए राजनीति करी है। कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति में झूठ बोलना, हमारे माननीय लोकसभा के सांसद जी और मेरी निधि पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। हमारी निधि हमने जनकल्याण में खर्च किया और हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर खर्च किया है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरा ये कहना पड़ता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री स्नातक की होती है, मैं उससे 2 डिग्री ऊपर पढ़ के आया हूँ। मेरे पास MA भी है डबल और PhD भी है। मैं कोई पत्र लिख रहा हूँ तो समझदारी से लिख रहा हूँ और बाला बच्चन जी उस पत्र पर राजनीति कर रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के हमारे समाज को भी कलंकित कर रहे हो। हम जनजाति समाज के लोग, जनजाति समाज का कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। हम झूठ बोलने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे संस्कार हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं दिए कि झूठ बोल के राजनीति की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सच बोलो,
लोकतंत्र में जनता को गुमराह मत करो, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर राजनीति करती है, बाला बच्चन के अंदर वो संस्कार दिखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आदिवासी जनप्रतिनिधि समझदार होना चाहिए, और बाला बच्चन जी ने जिस तरीके की हरकत करी उससे लगता है कि वो समझदार कितने हैं, आप सबको पता है। ये आप पर भ्रमित करने का आरोप लगा रहे थे, स्वयं ही कटघरे में खड़े हो गए। नहीं, मुझे भ्रमित, वो भ्रमित करने स्वयं कटघरे में खड़े हैं। अभी तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये निधि हवा में से आई क्या? वो बार बार एक आरोप लगा रहे, मार्च 22 तक पीएम की निधि नहीं है। ये हमारी जो निधि मैं बोल रहा हूँ कि पुराने सांसदों की निधि राज्यसभा की जो है वो मेरे सांसद बनने के बाद मेरे खाते में आई, वो कभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद रहे क्या? उनको नियमों की जानकारी है क्या? पूछना चाहता हूँ मैं, वो राज्यसभा सांसद कभी रहे? अरे निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस आदिवासी किसान के बेटे को बकरी चराने वाले को राज्यसभा सांसद बनाया है। कांग्रेस तो राज्यसभा सांसद किसको बनाती पता है? हमारे फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने बलि का बकरा बनाया, वो राजा दिग्विजय सिंह उसको भेजा वहाँ पार्लियामेंट में, उच्च सदन में। ये कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट होती है। बाला बच्चन जी, माननीय बाला बच्चन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कम से कम झूठ बोलना बंद कर दो। हमारा समाज झूठ नहीं बोलता है, और आप हमारे समाज को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं झूठ बोल बोल के। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ही उकसाया राजनीति करने के लिए, क्योंकि आपने राजनीति शुरू करी है। हम तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में सेवा के लिए बुलाए थे, मार्गदर्शन के लिए बुलाए थे, जिले में कोरोना कैसे कम करें उसके लिए सुझाव के लिए बुलाए थे। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बड़वानी में कितनी सुविधाएं दी आपको पता होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह तो तुम पे खड़ा होता है, कटघरे में तुम खड़े होते हो और भ्रमित तुम कर रहे हो। पूरी कांग्रेस भ्रमित करने के नाम पे जिंदा है, कांग्रेस भ्रमित नहीं करे तो मर जाएगी। भाजपा संगठन, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने घोषणा करी है कि बाला बच्चन के इस गलत व्यवहार की वजह से, इस झूठ की वजह से, इस भ्रमित करने की वजह से हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और लोकतंत्र में जनता को बताएगा कि कभी ये पानसेमल की जनता को भ्रमित करते हैं, कभी ये आके राजपुर की जनता को प्रभावित भ्रमित करते हैं, और कभी जिले की जनता को भ्रमित करते हैं, और 15 महीने तक मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित किया कांग्रेस सरकार ने, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता भी है। माननीय कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के चुनाव जीता इन्होंने। हमारे आदिवासी जिले के सारे आदिवासी भाइयों को कांग्रेस ने झूठ बोला, नकली घोषणा पत्र बनाया उनने, कितने वादे पूरे किए उनने, उसका परिणाम भुगता है। और हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। माननीय बाला बच्चन जी, बड़वानी जिले की जनता से और प्रदेश की जनता से माफी मांगिए। तो किस मत से आपने खर्च की राशि और कितनी राशि? मुझे इस बात का गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो उस समय सभी सांसदों की 2 साल की विकास निधि 2021 और 2022 की उन्होंने पीएम फंड में रखी थी, और उसके पूरे कोरोना के लिए उन्हें वो राशि डोनेशन करने का तय किया था। और आज आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर, प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी सांसदों ने राशि दी है। मैंने 2019 और 20 की जो मुझे राशि मिलना थी उसमें से 1 करोड़ रुपये की राशि मैंने उस समय भी प्रधानमंत्री केयर फंड में दी थी। उसके बाद जो शेष राशि बची थी तो निश्चित तौर पर इस कोरोना संक्रमण में हमारी जनता परेशान है, हमारी जनता को कहीं कहीं इलाज की ज़रूरत है, उनको इस प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत है, तो इस प्रकार के ICU वार्ड हैं, कहीं कहीं एम्बुलेंस हैं, कहीं कहीं हमारे ऑक्सीजन के प्लांट हैं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य को लेकर, उनके विचारों को लेकर हमारी जनता को ये असुविधा न रहे, और इसलिए मैंने मेरी लोकसभा में कहीं कहीं मेरी निधि का उपयोग किया है। और मेरे पास निधि थी, और इसलिए मैंने बड़वानी जैसे बड़े जिला चिकित्सालय में 40 लाख रुपए से बनने वाला ICU वार्ड की मैंने घोषणा भी करी, और मैंने उसमें राशि भी जारी हो गई, उसका निर्माण काम भी शुरू हो गया। निश्चित तौर पर बाला बच्चन जी ने जिस प्रकार से राशि को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया, ये कहीं कहीं एक ओछी मानसिकता को परिचय देता है। आज पूरा जनता और पूरे लोग कोरोना संक्रमण में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, संस्थाएँ डोनेशन कर रही, वहाँ पर मदद की बात की जाना चाहिए, न कि ओछी राजनीति का परिचय देना चाहिए। एक जगह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी विधायकों की मीटिंग में कहते हैं कि आग लगा दो, जला दो, इस प्रकार का मध्य प्रदेश को असंतोष करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कोरोना इंडिया, ये संदेश कमलनाथ जी दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि देश कोरोना इंडिया है? पूरे दुनिया में बदनाम करने के लिए कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं,
निश्चित तौर पर इस संक्रमण में सबको साथ देना चाहिए और कांग्रेस के लोग आज भी राजनीति करने से पीछे नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के वर्तमान विधायक बाला बच्चन जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने 40 लाख रुपए के आईसीयू के लिए मैंने राशि अगर मेरी निधि से दी है तो आपको इसमें क्या तकलीफ है, क्या जलन है? ये जनता के लिए आप भी दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिए। ठिकरी है, राजपुर है, जुलवाने हैं, ओझर है, ऐसे कई जगह है जहाँ पर बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। पूरी की पूरी निधि दे दीजिए। मेरे पास जितनी निधि शेष बची है मैंने पूरी की पूरी निधि कोरोना काल में दे दी है और मैं आपके माध्यम से बाला बच्चन जी कहता हूँ कि ओछी राजनीति बंद करें, जो निधि उनके पास में पूरे राजपुर विधानसभा में खर्च करें। और आपको मालूम है कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ होना चाहिए, एक एक राजपुर विधानसभा के एक एक जगह पर आप उसका उपयोग करें और कहीं ना कहीं उसका उपयोग करके जनता को लाभ दें। इस प्रकार की हमारी निधि पर ऊँची राजनीति करने का प्रश्न खड़ा न करें। निधि हमारे पास में है और अगर हम जनता के हित में निधि खर्च कर रहे हैं तो आप भी जनता के हित में निधि खर्च करें, न कि नाम मात्र का टुकड़ा डालकर जनता को गुमराह करने का प्रश्न खड़ा करें। और जनता से माफ़ी भी मांगें कि हमने इस निधि को लेकर जनता गुमराह करने का प्रयास किया है। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर जनता भी सड़क पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर आकर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे।